नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और यह है बड़ी बहस। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, या कहें कि पूरा देश जानता है, लेकिन टिकट आवंटन के बीच विरोध के जो सुर हैं वो लगातार हावी होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में जिन दावेदारों की टिकट कटी है वो कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी को अलविदा कहकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता सब कुछ ठीक ठाक है ये दावा लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितने भी रूठे हैं उनको हम मना लेंगे। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। एक उम्मीदवार का नाम तो आधी रात को जारी किया गया। लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस के प्रभारी बावरिया साहब के आंसू छलक पड़े, क्यों ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो किस भरोसे से कह रहे हैं कि जो रूठे हैं उनको हम मना लेंगे। और मोहनलाल बडोली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बडोली साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में, और आपका मैं अभी स्वागत कर रहा हूं और बाद में शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि बहुत ही इस वक्त जो समय चल रहा है कीमती चल रहा है, और इस कीमती समय में से आप समय निकालते हैं, हमारी एक कॉल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। क्या जी राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आप के साथ आपके सभी दर्शकों से बात करने का मौका आपके माध्यम से मिला है। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद भी करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार जी। तो बडोली साहब, आज कहाँ हैं आप? और आज बिल्कुल तरोताजा दिखाई दे रहे हैं, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद कौन कौन सी चीजों का आजकल आप खाने पीने में सेवन कर रहे हैं हमें भी बताइए, हम तो थके थके लग रहे हैं जबकि भाग दौड़ भी नहीं कर रहे हैं। भी आपके चैनल के जो पत्रकार थे उनसे मेरी बात दिल्ली में भी हुई थी, और आज अभी राम आपके यहाँ सोनीपत जो पत्रकार है मैं अभी पहुंचा जी, और सीधा इन्हीं के पास आया जी, आपसे जुड़ा हूँ। हाँ, ये आपके माध्यम से सभी को प्रणाम जी। यही तो आपका प्यार है, फिर हम आप इस प्यार के चक्कर में कई बार फिर हम थोड़े ज्यादा कड़वे सवाल नहीं पूछते आपसे, लेकिन सवाल पूछना तो हमारा पेशा है। अच्छा अच्छा हाँ, भी लगता है कि हाँ, आप कड़वे सवाल पूछेंगे तो जी उससे कड़वे सवाल से भी बिल्कुल, क्योंकि आमले का जो वो कहते हैं ना फायदे, वो और करेले के जो फायदे हैं वो बताते हैं बुजुर्ग, तो ऐसे ही सवाल आएंगे दो चार, आप झेलना मुझे। आपकी जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे जो पिछली सरकार में, इस सरकार में नहीं, मंत्री थे, हार गए थे, उनका टिकट काट लिया आपने, आपने रणजीत सिंह चौटाला का टिकट काट लिया, बहुत दुखी थे। अभी आपसे पहले मूलचंद शर्मा जी जुड़े हुए थे तो मैं उनसे जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत आ गई। रणजीत सिंह चौटाला जी बोल रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, वैसे ही करण देव कंबोज साहब को बनाने भी मुख्यमंत्री जा रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, हाथ भी नहीं मिला रहे, इतने नाराज हैं। ये आपने बताया है, ये समय पॉलिटिकल आदमी के लिए ऐसा होता है कि जब उसको टिकट नहीं मिलता तो नाराजगी स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया रहती है, और भारतीय जनता पार्टी के मैं ये मानता हूँ सभी नेता एक बार जो नाराजगी दिखाई है उसके बाद तुरंत हम सबसे बातचीत की है, हमने सबसे अच्छी बात हुई है, और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आपने नाम लिया है, अभी दिसंबर वाल्मीकि जी से भी आज भी मेरा मिलना हुआ, कल भी मिलना हुआ। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और ये देश के विकास का चुनाव है, हरियाणा प्रगति के रास्ते पर तेज गति के साथ बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने इस काम की लिए सभी कार्यकर्ता लगे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है कि आने वाली सरकार स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जी, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो जाहिर है कि जो आप बोल रहे हैं वो
आधिकारिक बयान है, तो बताइए एक एक को कैसे खुश करेंगे। रंजीत चौटाला जी इस करके नाराज हैं कि वो जहाँ से टिकट मांग रहे थे वहाँ से टिकट नहीं मिला, आप मंडी डबवाली से टिकट उनको दे रहे थे, वहाँ से उनका एक भतीजा है, एक तो दिग्विजय हैं, एक जो दूसरे भतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे उनको भी नहीं मिला, तो उनको खुश करने का क्या उपाय है? ये टिकट कहाँ से मिलेगा, किसको मिलेगा, ये हमारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला लेता है। हाँ और मैं कहाँ से किसको टिकट मिलेगी इसके चर्चा तो आपके चैनल पर नहीं करना चाहूंगा, जी लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर हमारे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और जितने भी हमारे नेता बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान मिले। जी वैसे तो जो सुभाष बराला साहब हैं आपने उनको राज्यसभा भेज दिया है, लेकिन वो इसीलिए नाराज हैं कि वहाँ से आपने देवेंद्र बबली को टिकट दे दिया, टोहाना में जो उनकी ज़मीन है वो ना छिन जाए, वो इसके चलते काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं आजकल। यही मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया, हरियाणा को लूटते रहे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समान विकास के काम हुए, गरीब को गरीब का हक मिला और गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं हम लेके आए, यही हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और हम जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेके जाने वाले हैं। और जो बात आपने जमीन खिसकने की करी है मुकेश जी, मैं बताना चाहूंगा, ये हरियाणा एक, हरियाणवी एक का हमारी पार्टी का नारा, हमारी सरकार का उद्देश्य है और सभी नेता पूरे हरियाणा को एक मानते हैं और सभी नेताओं को अवसर मिले, बार बार चेंजिंग होती रहे। हमारी आपने लिस्ट में भी देखा होगा बहुत सारे नेताओं के टिकट नहीं मिले हैं, उनको कोई दूसरी जिम्मेवारी मिलेगी। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और अभी फिर विधानसभा का चुनाव लड़ू, यही संस्कार है हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। समय समय पर सबको मौका मिले, सबको काम करने का मौका मिले। कुछ नेता जिनको टिकट नहीं मिला है वो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे, जी और सरकार में रहें या पार्टी में रहें, हमारी पार्टी का भी सेवा ही संगठन का जो मूल मंत्र है उस पर हम चलते हैं, वो सरकार के माध्यम से सेवा करनी और संगठन के माध्यम से सेवा करनी, यही हमारा उद्देश्य है। आपसे और आपसे भडोली साहब मैं कड़वे कड़वे सवाल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस वक्त जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा का जो मंच है वो अगर हम टेलीविज़न के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा मंच है, तो मैं आपको ये मौका भी दे रहा हूँ कि जिन जो रुसे हुए हैं उनको अगर थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी मनाने की कोशिश करोगे तो आवाज़ उन तक भी पहुँचेगी क्योंकि आप अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो अब जो अगला नाम है वो देश की सबसे बड़ी उद्योगपति महिला का है, सावित्री जिंदल जी, वो भी टिकट की दावेदार थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। जिंदल साहब को तो आपने पार्टी की टिकट पे लड़ाया और भेज दिया लोकसभा, लेकिन उनकी माता जी को नाराज़ कर दिया। ये हमारी पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा है, हाँ अभी नवीन जिंदल जी की आपने बात की है, वो हमारे सांसद हैं और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से डॉक्टर कमल गुप्ता जी को वहां से उतारा है, वो उनको पूरा जिताने में काम करेंगे और सभी नेता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी नेता, हमारे बहुत सारे नेताओं ने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद उनके वीडियो भी आए हैं, सोशल मीडिया पे भी आए हैं, उन्होंने एक ही उद्देश्य है कि वो संगठन के लिए काम करेंगे, हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इस भाव को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार नाराजगी जरूर जाहिर की है और उस नाराजगी को हमने बातचीत के माध्यम से दूर भी किया है, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार होगी, हरियाणा प्रदेश के लोगों की भलाई करने के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए सरकार होगी, और हमारे कार्यकर्ताओं का यही भाव रहता है कि हम जनता की सेवा अच्छे से करें, इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का आपने जो 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, मैं मुकेश जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया, लूटने का काम किया, आऊंगा और आऊंगा। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने टिकटों आप का इत्मीनान रखो, निवेदन भी किया था भडोली तो साहब इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी आप लूटने का इत्मीनान काम रखो, किया। कांग्रेस
कांग्रेस को बिल्कुल पानी पी के कोसने का मौका मैं आपको दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। अभी अभी जो मैं आपके आपके जो लोग हैं, बस दो और बचे, एक मैं करण देव कंबोज साहब का नाम लेना चाहूंगा। पता था कि विधायकों को टिकट देनी है, उन 28 सीटों पर भी कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर निवेदन लिया गया। चलो, दूसरी पार्टी के बारे में क्या बोलना, वो आएंगे, मैं उनसे भी ऐसे पूछता हूँ। आपको मेरा जो आदत है पता है, मतलब बना के नहीं रखते किसी से, बस उल्टे ही सवाल पूछो, वो आएंगे ना, मैं उनको आपसे भारी सवाल पूछता हूं। उनसे बात जरूर पूछना, उन्होंने कार्यकर्ताओं को 28 उम्मीदवारों को दो विधायकों को सीटिंग को टिकट दिया, तो उनसे पैसे लेके कार्यकर्ताओं को लूटने का काम। पूछूंगा, आपको पता है हरियाणा की सारी जनता जानती है, मेरे जो सामने होता है उससे उल्टे सवाल पूछता हूँ, पीठ पीछे क्या पूछ लूंगा उनसे। वो आएंगे, मैं आपका सवाल उनसे पूछूंगा, यकीन करो मेरे पे। करण देव कंबोज जी को मनाने गए थे नायब सिंह सैनी साहब, मानने कि नहीं मानने? बिल्कुल मान गए हैं, और वो दिल्ली में आए हैं, हमारे चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुलाकात हुई है, और बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई है, और वो एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, तीन पीढ़ियां उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही है, और कई पीढ़ियों के परिश्रम के बाद 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी हरियाणा में आई, देश में आई, ये सब कार्यकर्ताओं को पता है, और ये कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देने वाली सरकार है, और जहां कोई चूक इस आवंटन में रही होगी, सरकार आने के बाद हम सभी के उस इच्छा को पूरी करेंगे, और सरकार में सबकी भागीदारी रहे, प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी रहे, इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता। एक हमारी बहन है, उनका नाम है कविता जैन, वो भी नाराज हैं बिल्कुल। जब मोदी साहब वहां पे गए थे लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल भाग भाग के रैली की एंकरिंग कर रही थी, उनको भी बहुत उम्मीद थी। मंच संचालन हमारी बहन कविता जैन ने ही किया था, न उम्मीदवार था, और अब भी हम पड़ोसी भी हैं, और सेक्टर 1 में ही 15 में ही हम भी आसपास रहते हैं, और आज भी मेरा मिलना हुआ, कल भी मिलना हुआ, और नाराजगी होती है। 3 बार पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया, सरकार में मंत्री रही, और आगे भी सरकार बनेगी तो उनको पूरा मान सम्मान सरकार में रहेगा। ठीक है, ये मेरे जितने भी आपके नाराज लोग थे ना, आप मेरे से खुश हो गए होंगे कि हमारे बारे में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष से मुकेश राजपूत ने बात तो की, हुए होंगे ना खुश, और आपने अपना स्पष्टीकरण दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो उनके चाहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करो, जो टिकट कटी हैं उन टिकटों को काटने के लिए एक रणनीति बनी होगी, कुछ सर्वेज आपने किए होंगे, उसके आधार पे आपने ये डिसीजन लिए होंगे, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पे तो आपने सबसे पहले पार्टी का फायदा देखना है ना। आप भी इस बार चुनाव में खड़े नहीं हो रहे ना? जी, मैं सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर जाके, और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन किया है कि वो सभी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, यही सबसे अच्छी बात है। जी, मैं ये पूछ रहा था, आप भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि लड़ रहे हो? जी नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, और 90 की 90 विधानसभाएं जो चुनाव लड़ेंगे वो मैं ही हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं 90 की 90 विधानसभाओं, क्या बात है, बड़ी बात है। अब एक बस उस सवाल का जवाब दिया नहीं, आप निकल गए आगे, कि ये जो हमने टिकटों का आवंटन किया है, ये इसका मुख्य आधार जो है वो सर्वे ही है या कुछ और भी है? हमारी पार्टी की एक लोकतंत्र किस प्रकार से मजबूत हो, और लोकतंत्र के पर्वों में सबकी भागीदारी रहे, प्रत्येक कार्यकर्ता का, हमने हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है वहां से ही अपनी स्टार्टिंग की, हमने राय शुमारी की प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाके की, उसके बाद अनेक सर्वे भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हुए, एजेंसी के माध्यम से भी हुए, और व्यक्तिगत भी हमारे जो बड़े नेता हैं वो सभी विधानसभाओं में जाके कार्यकर्ताओं से रूबरू होके आए, बातचीत करके आए। किसी भी विधानसभा का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि बड़े नेता आके उनसे बातचीत ना की, बहुत सारी चीजों का आकलन किया है, हर विधानसभा का किस विधानसभा में किस समाज का, सभी समाजों की भागीदारी रहे, सभी प्रकार के लोग उसमें रहे, और उन सब बहुत सारी चीजों का आकलन करने के बाद 10-12 पॉइंट एक चयन प्रक्रिया में रहते हैं, उन सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हुए हमने इस टिकट आवंटन में हमारे
जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है उससे पहले बहुत सारी चीजों पर बातचीत होती है और सभी का सम्मान, सभी को सम्मान मिले, बराबर का मिले। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का मंत्र को देखते हुए हमने ये, हमारा जो इतना बड़ा एक सिस्टम है, प्रोसीजर है चुनाव प्रक्रिया का, वो पारदर्शिता के साथ सभी के बारे में विचार विमर्श होता है और पार्टी ने उस पर निर्णय करती है। मांगने वाले और जिताऊ उम्मीदवार हर विधानसभा में 10-15 ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, किसी को भी टिकट दे वो जीत सकता है, इस बात का आकलन भी उसमें आता है। लेकिन फिर भी उसमें से एक को छांटना होता है और वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया बहुत ठीक लिया, बहुत बढ़िया लिया। जी बिल्कुल, जो हर एक कार्यकर्ता है वो चाहता है कि मुझे विधायक का टिकट मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। और बड़े अच्छे से आपने बताया कि जो सर्वे हैं उनके आधार पे ये चीज़ हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आप के नाराज़ कार्यकर्ता हैं जो विधायक की दौड़ में शामिल थे उनको आप समझा लेंगे। अब सवाल ये है कि 67 सीटों की लिस्ट आपने जारी कर दी, इसमें आपने कांग्रेस की तुलना में बाजी मार ली, अभी बाकी जो बची हैं कितनी, 23 सीट्स बची हैं? 23 सीट। तो ये 23 सीट्स की जो सूची है वो कब आ जाएगी? ये 23 सीट की सूची जैसे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आप सबको बताया जाएगा, जनता को भी बताया जाएगा। बैठक के बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी कोई तारीख वगैरह तय होगी। हमारा हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक में 90 की 90 विधानसभा पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक तो अब होगी नहीं, लेकिन हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बची हुई सीटों पर भी उसका निर्णय बहुत जल्दी होगा जैसे ही हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कोई तारीख वगैरह तय होगी सर इसकी या अभी नहीं? अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है और जैसी तारीख आएगी हम बताने का काम करें। जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये कड़वा नहीं है, बहुत ही मीठा, अच्छा अच्छा जवाब देना। आजकल सुबह आप कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं, कुल कितने घंटे काम करते हैं और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी शुरू से ही मेरी आदत है, मैं 6 बजे पार्क में होता हूँ। हाँ, और मेरी आदत थी कि मैं 10 बजे सोने की शुरू से ही थी, लेकिन जब से ये चुनावी प्रक्रिया चली, अब तो लोकसभा के चुनाव में ही ऐसी प्रक्रिया बनी कि 2 बजे तक जग के काम करना और अब निरंतर कभी भी 1 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलती है, 2 बजे तक भी कई दफे जग के घर आने का मौका मिलता है जी। बहुत सारे काम है। हाँ। और अब चुनाव में हमने जाना है तो अब ये चुनाव का जो समय होता है ऐसा होता है जैसे किसान जब खेत में गेहूं की कटाई आती है। हाँ। और वो साल में एक बार आती है, ये राजनीति में ये लोकतंत्र का 5 साल में मौका मिलता है। हाँ। और हम दिन में भी और रात में भी नींद को नहीं देखते। हाँ। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रह के अच्छे से कार्यकर्ताओं सभी काम पर लगे हैं, उसी प्रक्रिया में हम लगे रहते हैं और बहुत बहुत हमारा तो बिल्कुल सादगी का जीवन है। 6 बजे पार्क में जरूर 1 घंटा मैं पार्क में लगाता हूँ जो मेरी दिनचर्या है। हाँ। और उसी से मैं तरोताजा भी रहता हूँ, यही मेरी जीवन की दिनचर्या है और पूरा दिन हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। जी चलिए, आप इसी तरीके से चमकते रहें, पार्क में सैर करते रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और ये जो चुनावी फसल तैयार हो गया इसको काटो, खूब मेहनत करो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं की टिकट कटी, साफ गोई से आपने उन सभी सवालात का जवाब दिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बडोली साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुकेश जी नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई और जय श्री राम। जय श्री राम।